हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ घी। मैंने दूध की मलाई ली थी, उनको मैंने काफ़ी अच्छे से दही जमाने रख दिया था रात में। फिर सुबह उठ के मैंने दही में से घी निकालना स्टार्ट किया और देखो घी बनना स्टार्ट हो रहा है। मैंने काफ़ी ज़्यादा फेंट लिया था इसको, इसमें से छाछ निकलना स्टार्ट हो चुका था। धीरे 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 काफ़ी अच्छे से मैं इसको फेंट रही थी, फिर इसमें से छाछ निकालना स्टार्ट हुआ। देखो ये ना बहुत ठीक हो जाता है पहले, फिर बाद में इसका छाछ निकलना स्टार्ट होता है धीरे धीरे। अब ये मैं इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि ये बहुत छोटा बर्तन था इस वजह से मैंने इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करना होगा। और काफ़ी चलाना है, काफ़ी तेज़ तेज़ चलाना है इसको अच्छे से, ताकि इसका घी ऊपर ऊपर आ जाता है। ये देखो गुल्लियाँ बन के आ गया अच्छे से, काफ़ी अच्छा थिक हो गया। ये मक्खन होता है, ये निकल चुका है देखो। ये जब हम इसे पकाएंगे, जब ये घी बनेगा, अभी ये मक्खन है। ये सारा मक्खन मैं निकाल लूँगी सारा दूसरे बर्तन में अच्छे से, और इसमें भी निकालने के बावजूद मैं इसको चलाना होगा इसको थोड़ा सा और, ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत छाछ बचा है ना वो भी निकल जाए। क्योंकि फिर हम इसको पकाएंगे ना तो देर नहीं लगेगी, फिर जल्दी पक जाता है। और अगर हम ऐसे डायरेक्ट पानी वाला रख देंगे तो बहुत देर लगती है और अच्छा भी नहीं बनता, कम घी बनता है। और ऐसे बनाने से काफ़ी ज़्यादा घी निकलता है। देखो अभी भी इसके अंदर छाछ था, और फिर मैंने दोबारा चलाया, ये वापस से छाछ बाहर आ रहा है धीरे धीरे। हमें इसको बिल्कुल ड्राई करना है, बिल्कुल सुखा देना है इसका, मतलब छाछ नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ये सारा छाछ मैं अब दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी, जिसमें मैंने घी निकाला था छोटे बर्तन में। वापस ट्रांसफ़र करके ये बचा है हमारा फिक्स। अब इसमें से जो छाछ है वो निकल चुका है, अब इसमें ज़्यादा छाछ नहीं है बस। और देखो ये इतना टाइट हो जाना चाहिए कि चम्मच में हाथ में आ जानी थी। देखो कितना थिक हो चुका है ये। अच्छा अब मैं इसको गैस पे रख दूँगी पकने के लिए। ये मैंने गैस पे रख चुकी हूँ, अब ये अच्छे से पक जाएगा। काफ़ी अच्छे से मैं इसको पका लूँगी गरम करके। ये घी बनना स्टार्ट हो चुका है मेरा, घी बन के तैयार हो चुका है। ये देखो ये है प्योर घर का देसी घी, ये प्योर है बिल्कुल, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। घर का घी बना के ही खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। देखो कितना, मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी जब घी बन रहा था, बहुत ही बेस्ट। अगर आपको भी मेरा व्लॉग अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और बताएं कैसे बनाते हैं आप अपने घर पर घी। मैं तो इसी तरीके से ही बनाती हूँ। और कम से कम ये मेरी मलाई थी 6 से 7 दिन की, और इसमें आधा किलो घी मैंने निकाल लिया इस तरीके से। ये मेरा डब्बा भर जाएगा अच्छा खासा, काफ़ी सारा घी निकला था। और प्लीज़ कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग आप ज़रूर कमेंट में बताएं, और कैसे निकालते हैं आप घी दूध में से प्लीज़ ज़रूर बताएं। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। देखो कितना सारा निकला था मेरा डब्बा, ये बहुत बड़ा है, देखने में आपको लग रहा है कम, लेकिन ये बहुत सारा घी था, आधा किलो कम से कम घी निकला था। देखो काफ़ी सारा। ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज़।